असलकम जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है और हर डिपार्टमेंट में डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो हम जिस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं उसमें डिजिटल सिस्टम पर कैसे काम करना है हम सबको आना चाहिए तो ये वीडियो में आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि उन्हें पोषण ट्रेकर में बहुत सारी चीज़ें अपडो करनी होती है जैसे कि अब हाइट और वेट अपलोड करने के लिए क्या करना है उसी के मतलब मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ तो तमाम जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अगर वो इसे ध्यान से एक बार देख ले तो ज़रूर इसे अच्छी तरह समझ सकती हैं और आगे भी जितना भी आप नई नई चीज़ें इसमें आएंगी नई नई चीज़ों को करना पड़ेगा वो सारी की सारी मैं वन बाय वन वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो आपके पास बरह रास्त पहुँचे तो आपके सामने जो जो ये लिस्ट नज़र आ रहा है ये एवरेज हाइट और एवरेज वेट का है लड़कियों लड़कियों लड़की और लड़कों का अलग से है तो आप इसे देख सकते हैं और आ, डाटा भर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप आ, किस तरह हाइट और किस तरह वेट जो है बच्चों का आप अपलोड कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स के मोबाइल पर जो पोषण ट्रेकर ऐप होती है आपको उस पर जाना होगा आप जू ही पोषण ट्रेकर ऐप को क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी आपके सामने तो एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो रजिस्टर होगा इसके साथ और अपना पिन जो आपको पता है अगर पिन कभी भूल जाते हैं तो उसको उसके लिए आपको फारगेट पिन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा आ, तो फारगेट पिन वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास पिन ऑलरेडी मौजूद है तो आप पिन को यहाँ पर एंटर करने के बाद लॉग इन कर सकते हैं तो लॉगिन जो ही करोगे तो आपके सामने एक और पेज खुल कर आ, सामने आएगा तो अब यहाँ आपको बेनिफिशरीज़ पर क्लिक करना होगा बेनिफिशरीज़ पर जो ही क्लिक करोगे तो आपके पास बेनिफिशरीज़ का सारा लिस्ट सामने आएगा जैसे कि आपके पास आपके सेंटर में कितने प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कितने बच्चे हैं कितनेटिंग मदर्स हैं कितने छः साल से तीन साल तक के बच्चे हैं ये सारा सारी डिटेल आपके सामने आएगी जो ही डिटेल आपके सामने आएगी तो अब आपको यहाँ से चूज करना होगा कि किस एज ग्रुप के आपको आ, बच्चों का ग्रोथ एंड हाइट भरना है जैसे कि आपके पास जीरो सिक्स मंथ से वहाँ से आप शुरू कर सकते हो अगर आप सिक्स मंथ से थ्री इयर्स को भी पहले भरना चाहोगे तो भर सकते हो और इसी तरह थ्री इयर्स से सिक्स इयर्स के बच्चों का भी आप पहले भर सकते हो इनका आप बारी बारी डाटा फिल कर सकते हो डाटा इनका फिल करने के लिए आपको करना क्या होगा देखिए जिस तरह चाहें डाटा भर सकते हैं तो मैंने जीरो मंथ से सिक्स मंथ का ऑलरेडी भर दिया है छः महीनों से तीन साल तक के जो बच्चे हैं अब उनका डाटा भरने जा रहा हूँ तो आप भी इसी तरह क्लिक जब करेंगे आ, ग्रुप के ऊपर तो आपके सामने बच्चों की लिस्ट खुलेगी तो आपको जहाँ जहाँ डाटा भरना है आप भर सकते हो जैसे कि आप पहले बच्चे से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर सबका भरना है अगर सब का नहीं किसी का छूट गया है तो किस उसी को चुन सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं पहले बेनिफिशियरी का डाटा भरने जा रहा हूँ तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए सबसे पहले उसकी एज देखना है क्या है वो जो उसके नाम के नीचे लिखी हुई है और उसका जेंडर देखना है कि ये बच्चा है या बच्ची, मेल है या फीमेल तो पहली जो बच्ची है यहाँ पर हमें आ, उसकी एज जो है वो टू इयर्स है और उसका जेंडर जो है वो फीमेल है ये बच्ची है तो इसको हमें क्या इसका डाटा भरने के लिए ग्रोथ एंड हाइट का हमें इसके सामने जो तीन डाट्स नज़र आ रहे हैं उन पर क्लिक करना होगा जू ही हम तीन डाट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल जाता है जिसमें यह सारा कुछ लिखा होता है लेकिन इन सब के साथ हमें कुछ नहीं करना है तीसरे नंबर पर जो चीज़ ग्रोथ मॉनिटरिंग जिसके साथ एक स्केल स्केल भी बनी हुई है और साथ में एक बच्चे की तस्वीर भी बनी हुई है तो वहाँ पर हमें क्लिक करना है जब हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैंने क्लिक किया है ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग पे तो जिससे मेरे सामने ये पेज एक और खुलकर सामने आया है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्विजडे आज के आज का दिन है और फर्स्ट फेब ट्वेंटी ट्वेंटी टू मेरे सामने लिखा हुआ है वो आज का तारीख है तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो डब्बे बने हुए हैं एक के ऊपर लिखा हुआ है हाइट टेंट सेंटीमीटर और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है वेट है, वेट इन केजेस तो हम देखें यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है हाइट शुड बी बिटवीन फोर फाइव पॉइंट सेवन टू टू वन टू वन पॉइंट नाइन टू सेंटीमीटर हाइट सेंटीमीटर उसमें होनी चाहिए और इसमें हम जो डाटा भरेंगे वो पैंतालीस पॉइंट सेवन टू से सात दो से नीचे नहीं होना चाहिए और वन टू वन पॉइंट नाइन टू से ऊपर भी नहीं होना चाहिए तो हाइट हमें इतनी ही बढ़नी है क्योंकि एवरेज हाइट जो होती है वो बच्चों की इतनी ही होती है जो ही हम हाइट बढ़े और उसके साथ एक और चीज़ लिखी हुई है नीचे वेट वेट का भी हमें ख्याल रखना है वो जीरो पॉइंट के जी से नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा वेट ट्वेंटी के जी का होना चाहिए अब मैं इन दोनों डब्बों में हाइट और वेट बढ़ने जा रहा हूँ जैसे कि जिस बच्चे को मैंने सेलेक्ट किया है आ, उसकी एवरेज इसकी हाइट हाइट के डब्बे पे हाइट लिखेंगे उसकी हाइट फाइव थ्री पॉइंट टू है, तक के, और वेट जो है जहाँ तक के वेट की बात है वेट को भी आप नीचे वाले डब्बे में एंटर कर सकते हैं नीचे वाला डब्बा जो है वो वेट के लिए दिया है उस पर आप क्लिक करें फिर उस पर कर्सर आएगा आप उस पर लिख सकते हैं अब आप यहाँ पर ऐड लिख सकते हैं मैंने इसकी एड लिखी थ्री पॉइंट फोर उसके बाद आपको डाटा आपका जो है वो मुकम्मल हो चुका है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसके फ़ौर बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा या उस पर एरर दिखाएगा अगर एरर दिखाएगा तो आपको यहाँ वेट करना है डाटे के साथ कुछ नहीं करना है फिर से सबमिट करना है जब आप फिर से सबमिट करेंगे दो तीन अटैम्प्ट कम से कम करनी है अगर ऐप रिस्पॉन्ड ना दे अगर हो जाए तो पहले अटैम्प्ट में तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होता है आपको बार बार इस पर सबमिट करते रहना है डाटे के साथ कुछ नहीं करना है डाटा आपने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है वो करेक्ट है आप जो ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपको एरर भी आ सकता है जब एरर आए तो आप फिर से इसी सबमिट पर क्लिक करें इसको आपको वापस से डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है आपका डाटा पहले ही एंटर हो चुका है तो जो ही मैंने डाटा भरने के बाद सबमिट किया तो मेरा डाटा सक्सेसफुल हो गया रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली तो आप इसके बाद फिर से बच्चों की लिस्ट में पहुंच जाओगे यहाँ से आप दूसरे बच्चे को चूज़ कर सकते हो या इसी तरह आप अग, आपका डाटा सक्सेसफुल हुआ या नहीं उसके लिए हमारे हमें देखने के लिए एक ऑप्शन है आपके साइड में एक एरो नीचे की तरफ़ दिया गया है नीचे की तरफ़ दिखाया गया है जो ही आप उस एरो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी सारी डिटेल आएगी क्या आपने जो डाटा भरा है उसका इसमें ऐड हो चुका है या नहीं देखिए इसकी हाइट जो है वो 53.2 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है और वेट भी इसका ऐड हो चुका है आधा नंबर और मोबाइल इसका अभी अनवेरीफाइड है तो इसी तरह आप अपना डाटा आसानी मोबाइल के ज़रिए से आ, किसी की मदद लिए बगैर खुद ही इस वीडियो के मदद से आप आ, आसानी से अपना डाटा जो है ग्रोथ एंड हाइट का भर सकते हैं आप किसी दूसरे बच्चे का भरना चाहते हो ट्री तो डॉर्ट्स पर क्लिक करें फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग पर क्लिक करें उसके बाद फिर से ये पेज खुलेगा आप फिर से यहाँ पर डाटा भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं इससे आपका डाटा सबमिट हो जाएगा इसी तरह वन बाई वन आप सारे बच्चों का डाटा भर सकते हैं और बसानी अपने घर बैठे और किसी की मदद लिए बग़ैर बिना परेशान हुए आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो की मदद से अपना डाटा बहुत आसानी भर सकते हैं तो जित जितने भी यहाँ पर बच्चों की लिस्ट दी गई है आपका वन बाई वन इसी तरह आपको आप अपने बच्चों का डाटा भर सकती हैं तो इसी तरह फिर से भरने के बाद आपको ऊपर वाले एरो से बेक होना है बेक होने के बाद आपको फिर से ये पेज खुलेगा आप इस पेज में आप जिस ग्रुप के बच्चे का डाटा भरना चाहते हो उस पर क्लिक करें सारे का सारा आप आसानी भर सकते हैं उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वो जितने भी इस पर अपडेट्स होते रहेंगे या चीज़ें बदलती रहेंगी जो भी इस पोशन ट्रेकर ऐप पर या एम पी आर पर का आपको काम करना होगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस सर्च बटन पर जहाँ पर यूट्यूब पर जाकर जैसे हम मैं बेक कर लेता हूँ आप सीधे यूटूब पर आ जाइए यूट्यूब पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सर्च बटन पर और सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप को टाइप करना है एफ़ ई आर डी ओ यू एस फिरदस स्लेश डब्लू एफ़ ए वफ़ा तो फिरदस वफ़ा आपको टाइप करना है टाइप करने के बाद आपको नीचे जो है यहाँ पर सर्च क्लिक करना है जो ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो मेरा चैनल आपके सामने खुल कर आएगा जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं मैंने बहुत सारी बातें वीडियोस अपलोड की हैं आप उन्हें इस पर देख सकते हैं और आंगनवाड़ी से मतलब खसूस में वीडियोस बनाने जा रहा हूं तो वो वीडियोस भी आपके सामने आ, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ज़रूरी है ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो बरह रास्त आप तक पहुंच सके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर का तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे चैनल सब्सक्राइब होगा और इसके सामने एक घंटी बनी हुई है उस पर क्लिक करोगे तो आल पर्सनलाइज्ड और नन का ऑप्शन आएगा जो ही आप आल पर क्लिक करोगे तो जितनी भी वीडियोज में मैं जो बनाऊंगा अपलोड करूंगा वो फौरन आपके पास पहुंच जाएंगी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें